गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा हमारे सीटिंग अरेंजमेंट आपके स्कूल ने जैसे ही आपके सामने करा था कि छुट्टी के टाइम पे भी आपकी एक नई यूनिट स्टार्ट होगी, तो उसी को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था, अब आगे बढ़ते हैं। यही सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर रीजनिंग पे टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट एक सामने आपके सामने एक क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट कौन सा होता है। सबसे पहले दोबारा से मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ, राइट और लेफ्ट कौन सा होता है। क्लॉक, हमेशा एक बार क्लॉक को दिमाग में रखना है। क्लॉक वाइज डायरेक्शन राइट, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन लेफ्ट, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। कभी भी क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। अगर क्लॉक का फेस अगर अपोजिट हो जाता है तो वो भी राइट और लेफ्ट हमारा अपोजिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको क्या रहता है, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच आर सी डी अराउंड ए सर्कल फेसिंग सेंटर, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल फेसिंग द सेंटर, यहाँ पे ये दे दिया तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी आपकी लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी राइट। आगे P is third to the left of M, मैंने आपको क्या बताया था सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, हमेशा सबसे पहले जो भी आपके पूरे पूरे अगर आपकी क्वेश्चन को पढ़ो, जहां पे भी आपको 100% श्योर होते हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना है, उससे पहले आपको स्टार्ट नहीं करना। इसी के अंदर आपको दे रखा है कि P is third to the left of M, 100% है तो हम इसी से ही हम स्टार्ट करेंगे। P is third to the left of M, कहीं से भी जो आपका मन करे, जहां से भी आपका मन करे वहीं से आपको स्टार्ट करना है। यही आपके 8% है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8% और सबका फेस सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा लेफ्ट, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा राइट। क्लियर है, क्योंकि ये फेस सेंटर की तरफ है। अब आगे बढ़ते हैं, पहली लाइन P is third to the left of M, जहां से आपका मन करे वहीं से आप स्टार्ट करो। P P is third to the left of M, P is third to the left of M, उसके बाद उसमें क्या था and second to the right of P, and आ गया था इसके बारे में बात कर रहा है first अल्फाबेट के बारे में, यानी P के बारे में बात कर रहा है, and second to the right of T, and second to the right of T। अब आगे बढ़ते हैं, and is second to the right of P, and is second to the right of P, right कौन सी डायरेक्शन ये वाली, and is second to the right of P। अब आगे R is second to the right of W, अब ना ही R is second ना ही W, और आगे बढ़ते हैं, who is second to the right of M, M यहाँ किधर है, who कौन जो हमारा अल्फाबेट इसके पास आता, यानी W की बात कर रहा है, W is second to the right of M, W is second to the right of M, क्लियर है। अब दोबारा से स्टार्टिंग में वाली लाइन की बात है, R is second to the right of W, R is second to the right of W, क्लियर। उसके बाद F is not an immediate member of P, P यहाँ पे ये है, F यहाँ पे आ नहीं सकता, बचा कौन सा यहाँ, अब कौन सा अल्फाबेट बचा हमारा H, H एक जगह है ये, यहाँ का डायग्राम क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कर रहे हैं Who is immediate right of P, P का immediate right कौन है, P यहाँ है हमारा left, R right, H, तो आंसर कौन सा हो जाएगा H। Who is immediate right of H, immediate right of H, left P right N, answer N। next Who is immediate right of R, immediate right of R, R ये है immediate right, कौन सा हो गया P। next Who is third to the right of H, who is third to the right of H, H ये left ये position, right ये वाली पोजीशन, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इसके एबिचुअल हो जाओ राइट और लेफ्ट के। 1 2 3 एफ, एफ यहां। नेक्स्ट हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ ये लेफ्ट इस तरफ राइट इस तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी रहेगी राइट, रीजन इसका फेस सेंटर की तरफ है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ टी। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, बाकी और प्रैक्टिस आपको खुद करनी है इसी टाइप के, बाकी और आगे हम करते हैं।